पिछले कुछ समय से युवाओं का आकर्षण टैटू की तरफ काफी बढ़ा है। कोई डिजाइन बनवाना पसंद करता है तो कोई सिंबल्स। मुंबई से फेमस टैटू आर्टिस्ट राजुल शर्मा बताते हैं कि हर तरह के टैटू फैशन में हैं। कोई धार्मिक टैटू बनवाना पसंद करता है तो कोई वेस्टर्न। टैटू का प्रकार बनवाने वाले की उम्र और उनके सामाजिक स्तर पर डिपेंड करता है। जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स सॉफ्ट टैटू जैसे तितली, फ्लावर्स, एंजल या कैलीग्राफी में नाम लिखवाना पसंद करती हैं। वही लड़कों की पसंद रफ एंड टफ होती है, जैसे स्पोर्ट्स नाम, कोई मंत्र या फिर पारिवारिक नाम। इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में भी टैटू काफी प्रचलन में है और इनके अलग अलग डिजाइन अच्छी खासी डिमांड में हैं। टैटू बनाने की प्रथा अभी बहुत तेजी से चल रही है। इसके मेरे दोस्तों बहुत सारे साइड इफेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। वो बनाने के बाद में आपको सुंदर लगता है, आप लोगों को अपनी बॉडी दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये जानना अत्यधिक जरूरी है कि उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट तो है ब्लड बॉर्न डिजीजेस का ट्रांसमिट होना फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन, क्योंकि ये प्रायकर सड़क पे या किसी सैलून में किया जाता है। वहां पर किसी प्रकार के एसेप्सिस का या इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया जाता है। सेम निडिल का उपयोग किया जाता है, उस निडिल से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। तो जो ब्लड बॉर्न डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो डिजीजेस से ट्रांसमिट हो सकती है। इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ब्लड बॉर्न में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ट्रांसफर हो सकता है। नंबर वन जो सबसे बड़ा डेंजरस है और इसके कारण कई बड़ी दिक्कतें पूर्व में आई गई है, और इस कारण से आजकल इवन आर्मी के अंदर इसको बंद कर दिया गया है कि जिन लोगों के टैटू हो रखे हैं उनको मेडिकली अनफिट कर दिया गया है। अब मैं आता हूं दूसरी, इससे स्कार जो बनता है, किसी किसी को कीलाइट बन जाता है, जब वो सुई अंदर जाती है तो छोटे घाव करती है, उन घाव को भरने में वो घाव मोटे बन सकते हैं, जिसे कि हम कीलाइट कहते हैं। कुछ लोगों को उसकी सीवियर एलर्जी हो सकती है, जो डाई जिसका उपयोग उसके अंदर किया गया है उसकी क्वालिटी का हमें नहीं पता होता है, क्या उसके अंदर कोई कार्सिनोजन तो नहीं है, इसकी डिटेल स्टडी अभी भी आवश्यक है। लेकिन वो किसी किसी को सीवियर स्किन रिएक्शन कर सकती है। मैंने एक पेशेंट को देखा था जो मेरे आउटडोर में आया था, उसको टैटू बनाया और उससे बहुत सीवियर उसको स्किन रिएक्शन हुई थी, जिसको हमें स्टेरॉइड देकर के उसे कंट्रोल किया था। तो टैटू आप बनवाएं, ये आपका शौक है, लेकिन ये आवश्यक है कि उससे होने वाले साइड इफेक्ट का आपको पता होना चाहिए। ब्लड बॉर्न डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे में जा सकती है, और सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी जो आज आपको पता है वो है HIV। जिस व्यक्ति ने पहले टैटू कराया वो HIV से संक्रमित था या नहीं था हमें पता नहीं है। इसलिए कई बार जो लोग टैटू करवा चुके हैं उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अनफिट कर दिया जाता है। तो HIV, हेपेटाइटिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और अदर ब्लड बॉर्न डिजीज में भी ट्रांसफर नंबर वन। स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी कैन आल्सो टेक प्लेस इन सच पेशेंट। इसलिए आप केयरफुल्ली यदि कराते हैं तो उससे कहें कि डिस्पोजेबल स्टराइल निडिल का उपयोग करें, नंबर वन। नंबर टू, जो डाई है हाई क्वालिटी की हो और मेडिकली सेफ क्वालिटी की डाई हो, तभी आप टैटू करवाएं, नहीं तो आप नहीं करवाएं।
अब यदि आप ऐसी परिस्थितियों में फंस गए और आपको जानकारी नहीं थी और उसके बाद जानकारी आपको पता लगी टैटू कराने के बाद, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप डॉक्टर से संपर्क करें। जैसा मैंने बताया पहले एलर्जिक रिएक्शन, तो यदि एलर्जी होती है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन आपने टैटू नहीं करवाया और आपको पता है एलर्जी होती है इसके अंदर, तो टैटू करने वाले से कहिएगा कि पहले वो एक टेस्ट पैच करे। अक्सर ये लोग टेस्ट पैच करते हैं, नहीं करते तो इन्हें करना चाहिए। उस पर्टिकुलर डाई का टेस्ट पैच करते हैं, कुछ देर इंतजार करिएगा, एक दो घंटे तक आप इंतजार करिएगा। यदि एलर्जी नहीं हो रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड, आपने टैटू करवा लिया उसके बाद में आपको अपने इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, 1.5 से 2 महीने में रिपीट कराने चाहिए। HIV का, हेपेटाइटिस का, ये 2 टेस्ट आपको हर हालत में टैटू कराने के बाद अपने कराने चाहिए। बेहतर तो ये टैटू कराने से पहले इनके टेस्ट आपको वैसे भी करवा के रखने चाहिए, और टैटू कराने के 1 से 2 महीने बाद आपको ये इन्वेस्टिगेशन यदि आप रिपीट कराएंगे तो आपको एक सेफ्टी विंडो मिल जाती है कि आपको उस वक्त HIV या हेपेटाइटिस की बीमारी टैटू से आपको नहीं हुई है। और दुर्भाग्यवश यदि आपको ऐसा हो गया तो आप घबराइएगा नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। यदि आप राइट टाइम पे कंसल्ट कर लेते हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, HIV और हेपेटाइटिस का इलाज आप अपने डॉक्टर की देखरेख में सफलतापूर्वक करवा सकते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो गया तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। मेरे दोस्तों, यदि आपने टैटू बना लिया है तो आप और उसको हटाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चिंता ना करें, टैटू हटाया जा सकता है। टैटू हटाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा, दूसरा तरीका है लेज़र मशीन के द्वारा। लेज़र मशीन आती है जो रंग को ख़त्म कर देती है, क्यूसी चैंडिया आती है, कुछ IPL मशीनें आती है। आप किसी प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिएगा, वो आपको एडवाइस देंगे। और कुछ यदि आपको तुरंत हटवाना है तो उसको काट करके उसके ऊपर पतली चमड़ी लगा के प्लास्टिक सर्जरी भी की जा सकती है। तो 2 प्रकार के मेथड हो गए, एक तो लेज़र द्वारा उसको हटाना ज़्यादा अच्छा रहता है लेकिन उसमें समय लगता है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि लेज़र इज़ ए बेटर प्रोसीजर देन सर्जरी। और यदि आपको तुरंत उससे मुक्ति चाहिए, जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं आर्मी में एडमिशन, आर्मी में जाना है उनको या फौज में जाना है, उनको तुरंत हटाना होता है, तो उसके लिए हम उसको काट देते हैं और उसकी जगह एक पतली चमड़ी लगा देते हैं जिससे वो टैटू से फ्री हो जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, किसी भी आप प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करिएगा, वो आपको आपके हिसाब से उचित एडवाइस देगा, लेज़र या सर्जरी।